खान साहब की एक कॉल है, आप सिंध से यहाँ पे आए हैं, क्या कहेंगे लॉन्ग मार्च में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं डॉक्टर शौकत अली मलिक, प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खादिम अली शाह मीरपुरखास सिंध से कल हमारा काफिला यहाँ लाहौर पहुँचा। रात को हमने यहाँ होटल में क्याम किया, आज हम लिबर्टी चौक लाहौर में मौजूद हैं और यहाँ से ये काफिला इमरान खान के साथ इंशाल्लाह इस्लामाबाद तक जाएगा। हमारे दूसरे काफिले इंशाल्लाह आज भी रवाना हो रहे हैं, कल भी रवाना होंगे, दो दिन तक मुस्तकिल चलते रहेंगे और इंशाल्लाह इस्लामाबाद तक इमरान खान के साथ होंगे और हम इंशाल्लाह इस इम्पोर्टेंट हुकूमत को उसकी कब्र तक पहुँचा कर रहेंगे इंशाल्लाह। आप इससे सर रिलेटेड क्या कहेंगी, हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च में आप आई, शिरकत की, आप सिंध से आई हैं, क्या कहेंगे? इमरान खान ही आएंगे इंशाल्लाह ताला, इमरान खान ही आएंगे। आपको इतना सपोर्ट क्यों करते हैं खान साहब, को इतना सपोर्ट क्यों करते? वो मोहब्बत वाले इंसान है, सच्चे इंसान है। क्या समझते लॉन्ग मार्च के क्या फायदे होंगे? इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे, बन जाएंगे वो वजीर आजम, उम्मीद है जनवरी तक बन जाएंगे। जंग है खान साहब के संग है इंशाल्लाह जीतेंगे और इंशाल्लाह ताला जनवरी तक वो आ जाएंगे, उम्मीद है अल्लाह पाक से कि वो जरूर आ जाएंगे जनवरी 2023 में। सुनाज़रीन, आपने देखा हमने लाहौर लिबर्टी चौक से खान साहब के हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च के मनाजर दिखाए। हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। यहाँ से अपने मेज़बान राणा आफ्ताब को दे इजाज़त और देखते रहिए 87 न्यूज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज नहीं निकले तो फिर कब निकले? आज करप्शन के लिए और ऑनेस्टी के लिए और सही लीडरशिप के लिए हम सबको, पूरी कौम को आज निकलना चाहिए। तो ये लॉन्ग मार्च के थ्रू कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हर किसी को घर से निकलना चाहिए और अगर आज नहीं निकले तो फिर क्या, फिर पाकिस्तान जिंदाबाद, खान साहब जिंदाबाद। मैं भी ये कहूँगा जी कि सारे लोग घर से निकलें और खान साहब जो हैं, इस तरह के लीडर्स जो हैं सदियों में एक आते हैं, इनकी कदर की जाए और इंशाल्लाह इसी तरीके से हम पाकिस्तान को और मुसलमान उम्मा को आगे लेके जाएंगे जी इंशाल्लाह।